सागर भैया से करूंगा एक दुपट्टा देकर भैया का स्वागत करें। और इसके पश्चात हमारे बीच वैष्णव भक्त मंडल ने एक भजन पुस्तिका का यहाँ बनाई है और मैं भाई कुमार सागर इससे अनुरोध करूंगा कि बलदेव राज जी के द्वारा इसे विमोचन हो जाए। जोरदार तालियों से हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। कलकत्ते से यहां मेरे बीच में मेरे साथी आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो ताली में कभी कंजूसी न करें, क्योंकि कलकत्ते वाले जब इतने दूर से माता का चक्राता करने आ सकते हैं तो तालियों से अपने अतिथि का स्वागत करने में कंजूसी न करें। जरा जोरदार तालियों से हमारे सभी संस्था की तरफ दे और उनका भी स्वागत करें। अब मैं हमारे विधायक जी श्री बलदेव राज जी से कहूंगा कि वैष्णो देवी भक्त मंडल पोस्ता ने जो ये दरबार लगाया है और आप पिछले साल भी यहाँ हम लोगों के आग्रह से उपस्थित हुए थे, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा तो सब हम लोगों के बीच रखें आदरणीय श्री बलदेव राज जी शर्मा। ये वैष्णो देवी भक्त मंडली पोस्ता ने जो हमें ये मान दिया और जो यहाँ आने का मौका दिया, इस जागरण में मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पिछले साल भी जब मैं विधायक बना था तो इन्होंने मुझे भी उस वक्त भी बुलाया था। मैं ये भगवती से ये अरदास करना चाहता हूँ कि जितनी श्रद्धा से जितने समर्पित होकर ये लोग कलकत्ता से आके यहाँ पे जागरण करते हैं, माँ भगवती इनको बिल्कुल अपने पास हर साल बुलाए और इनकी हर है वो इनकी पूरी करे, यही मैं आपसे विदा दूंगा। जय माता दी। सही संगीत को ना समझा माँ सरस्वती की जिनके ऊपर कृपा रही और वो आज कलकत्ते में अपनी ख्याति को बिखेरते हुए माँ भगवती के चरणों में भी अपनी अरदास लगाने आई है। ऐसी हमारे बीच एक उभरती हुई और मैं क्या कहूँ प्रतिष्ठित कलाकारा तोशी कौर जी हमारे बीच उपस्थित है। जरा जोरदार तालियों से हम तोशी कौर जी का स्वागत करते हैं कि माता के दरबार में अपनी भेंट गाएंगी। और उसके बीच में मैं हमारे बीच जो प्रेस है यहाँ उपस्थित है हमारे भाई श्री श्याम जी पुजारी, फोटोग्राफर NDTV के श्री पंजाब केसरी के कालू जी, दिवाकर जी शर्मा, राजकुमार जी बागड़ा, राकेश जी शर्मा, पंकज जी शर्मा, दिनेश जी, दुर्गा केबल के जिनके सौजन्य से भी कोवी पादा जी ने हमें बताया है कि कल हमारे जगराते का लाइव टेलीकास्ट हुआ होगा। और MTV के श्री राम कुमार जी पाधा, MH न्यूज के ब्यूरो प्रमुख श्री राजेंद्र जी सभी हम लोगों के बीच उपस्थित है। मैं अपने श्री सभी प्रेस फोटोग्राफर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप अपना सानिध्य हर साल की तरह इस बार भी पोस्ता के भक्त मंडल माँ वैष्णो देवी को देना। इन्हीं अभिनेताओं के साथ मैं श्री तोशी जी कौर से अनुरोध करूंगा कि वो अपने भजनों की माला हम भक्तों के बीच में रखे। तोशी कौर फिर जोरदार तालियों से एक बार फिर मैं इनका स्वागत चाहूंगा। Give me
भावना में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार है, और जो भावना में भाव है सुगम से बेड़ा। तभी तो यह भावना है कि इतने सर्दी में इतने ठंड में सब यहाँ बड़े बैठे हैं, लेकिन फिर भी जागरण में आना है, और सब आते हैं और आकर कहते हैं क्या माता रानी से बात नहीं करोगे, कौन कौन करेगा एक बार हाथ उठाती है खड़े करके। हाँ, और ये तालियां बजा के एक साथ एक दो एक दो तीन चार
तो मैं एक बात बता दूं आपको, वैसे ही क्या की सुनती है दूर की सुनती होता है। माता रानी के दरबार में ताली दो बजाता है जिसके हाथ में दम होता है। एक बात और कहनी है कि किसी के हिस्से में मकान होती है, किसी के हिस्से में दुकान होती है, किसी के हिस्से में मकान होती है, किसी के हिस्से में दुकान होती है, और भजन कीर्तन वही गाते सुनाते हैं भैया जिनकी जुबान होती है। चलिए, अगर हाथों में दम है और जुबान में जोर है तभी मेरे साथ गाना क्या बोलोगे।
मन में भी है, माइक है आप लोग को, आप खुद वॉल्यूम है आपके गले में, आप खुद ऑपरेटर है, आपको थोड़ा वॉइस रेज करना पड़ेगा। और जरूरत क्या है, थोड़ी सी इच्छा की, थोड़ी इच्छा जागृत करें, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं, आप साथ में मिलकर गाएं, क्या बोलोगे, तूने मुझे बुलाया पुजारी को संस्था का स्मृति चिन्ह देकर उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री राजकुमार जी पागरा पंजाब के श्री के जो है उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया भी मंच के पास सम्मानित किया जाए। तो कलकत्ते वालों से मैं अनुरोध करूंगा ताली में मिलकर यू सी करे और जरा जोरदार तालियों से सभी अतिथियों का स्वागत करे। इसके बाद और जो हमारे राकेश जी शर्मा जनरल के जो है हमारे बीच दिवाकर जी से अनुरोध करूंगा। एमटीबी के श्री राजकुमार जी पाधा जो है एमएच न्यूज के ब्यूरो प्रमुख श्री राजेंद्र जी दवे जो है उपस्थित है, दोनों उनसे अनुरोध करके तो मंच पे आए। अजीत पत्रकार भाइयों का नाम मैं नहीं भी ले पा रहा हूं भूलवश, उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया वो भी हम मंच पे आए और उनका भी स्वागत हमारे कलकत्ता की माता वैष्णवी भक्त मंडप से फिर से करते हैं। जो हमारे फोटोग्राफर हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कृपया वो भी मंच पे आए, क्यों ये आपका प्यार ही है कि आज तीसरा वर्ष वैष्णव भक्त मंडल कटरे में आके बड़ी धूमधाम से आप लोगों के साथ में जगराता कर रहा है। थोड़ी आवाज में कर दी हो रही है चलता रहेगा माता रानी का और भंडारा भी हमारे पीछे में चल रहा है। अगर हमारे पास नहीं हो वो भी यहाँ आए माता वैष्णो देवी भक्त मंडल कलकत्ता पोस्टा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हम वैष्णो देवी भक्त मंडल की ओर से विशेष रूप से हमारे विधायक जी बलदेवराज जी का फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जोरदार तालियों से इनका स्वागत फिर हमें करते हैं। अब मैं पांचवी हंजी की मैं भी अनुरोध करूंगा कि वो माता की भेंटे हम भक्तों के बीच में रखें
भाई श्री रंजीत जी, इसका है ना उसका है, ना तेरा है ना भेट। और मैं विनती करूंगा सागर भाई से कि हमारे साथ हमारा साथ दें। दाती से मुरादे कुछ मांगने की रा दाती से मुरादे कुछ मांगने की रा ये है चक्र राता भगत चांदने की रा हुआ नहीं लाभ मुझे, हुआ नहीं लाभ
I'm gonna go to the bathroom.